हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद तब्बू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन हलीम बनाने की रेसिपी। हलीम हैदराबाद की बहुत ही फेमस डिश है, जिसको हरीस या दलीम भी कहते हैं। ये रेशेदार टेस्टी हलीम काफ़ी हेल्दी डिश है, जिसको स्पेशली रमज़ान में इफ्तार के वक्त बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इस टेस्टी हलीम को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। चिकन हलीम बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 500 ग्राम चिकन, दो बड़े साइज़ की फ्राई की हुई प्याज, आधा कप गेहूं का दलिया, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप गेहूं भी ले सकते हैं, एक चौथाई कप उड़द दाल, एक टेबलस्पून चावल, एक टेबलस्पून चना दाल, एक टेबलस्पून मूंग दाल। खड़े मसालों में मैं ले रही हूँ एक दालचीनी का टुकड़ा, चार लौंग, एक टीस्पून शाहजीरा और दो छोटी इलायची। नमक लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, और मैंने थोड़ी सी गुलाब की सूखी पत्तियाँ भी ली हैं, पर ये ऑप्शनल है। एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर, एक टीस्पून हल्दी पाउडर और आधे नींबू का रस, चार टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, दो टेबलस्पून घी, दो टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, आप लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, तीन टेबलस्पून तेल, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना, और एक छोटे साइज की प्याज लेंगे बारीक स्लाइस की हुई। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। वैसे आप बिना मैरिनेशन के भी इसे बना सकते हैं, पर मैरिनेट करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने एक टीस्पून नमक यूज़ किया है, और इसी में एक टीस्पून हल्दी पाउडर और आधे नींबू का रस डाल दें, और जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने लिया है इसमें से एक टीस्पून इसमें डाल दें, और बचा हुआ पेस्ट हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इस चिकन को कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। इस हलीम को बनाने के लिए मैं चिकन ऑन बोन यूज़ कर रही हूँ। आप बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विद बोन यूज़ करने से हलीम का टेस्ट बहुत ही बढ़िया बनता है। एक बोल में गेहूँ का दलिया, उड़द दाल, चावल, चना दाल और मूंग दाल डालकर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से धो लें। इस हलीम को सिर्फ गेहूं और उड़द दाल यूज़ करके भी बनाया जा सकता है, पर चावल और दालें यूज़ करने से ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से धो लेने के बाद इसमें पानी डालकर इसको एक घंटे तक भीगने के लिए रख दें। आप बिना भिगोए भी इसको पका सकते हैं, पर इसको पकने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। जो दलिया और दालें हमने भिगो के रखी थी, एक घंटे बाद उसका सारा पानी निकाल लें और इसको प्रेशर कुकर में डाल दें। आप प्रेशर कुकर के बजाय हांडी में भी इसको पका सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में ये बहुत जल्दी गल जाती है। मैंने इसमें 2.5 ग्लास जितना पानी यूज़ किया है, और इसमें आप थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको अच्छे से प्रेशर कुक कर लें जब तक ये पूरी तरह गल ना जाए। मैंने इसे 8 सीटी आने तक पका लिया था, पर 5 से 6 सीटी के बाद आप एक बार इसे ओपन करके ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी ये दलिया नीचे से लग जाता है। अगर आपको पानी कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसे दोबारा से प्रेशर कुक कर लें जब तक ये पूरी तरह गल ना जाए। इस कुकर को मैं दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर देती हूँ। अब एक और कुकर को चूल्हे पर चढ़ाएं और इसमें घी और तेल डाल दें। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें खड़े मसाले डालकर थोड़ी देर चम्मच चला लें। अब इसमें एक छोटी सी बारीक कटी हुई प्याज डालें और इसको गोल्डन कलर आने तक भून लें। आप देख सकते हैं कि प्याज अब लाइट गोल्डन कलर की हो चुकी है। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर इसको 1 मिनट तक और भून लें, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें हरी मिर्च का पेस्ट और मैरिनेट किया हुआ चिकन डालकर इस चिकन को 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लें। चिकन को अच्छी तरह से भून लेने के बाद इसमें 2 ग्लास पानी डाल दें और इसको प्रेशर कुक करके पका लें। चिकन को हमें इतनी देर तक गलाना है कि अगर हम इसे उंगलियों से दबाएं तो ये इजीली मैश हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये दलिया भी बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। इसको ठंडा कर लें, और ठंडा हो जाने के बाद इसको ग्राइंडर में पीस लें।
मैंने इस दलिये को पीसकर इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर रख लिया है। आप देख सकते हैं कि ये चिकन भी बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसको एक छन्नी की मदद से छान लें और चिकन को अलग कर लें। अब इस चिकन से हड्डियों को अलग कर लें। आप देख सकते हैं कि मैंने इस चिकन को हड्डियों से अलग करके इसके छोटे छोटे पीसेस करके रख लिए हैं। और चिकन को छान लेने के बाद ये जो लिक्विड रह गया है, इस लिक्विड में से थोड़ा सा ऑयल निकाल कर रख लें। इसको हम लास्ट में गार्निशिंग के टाइम पर इस्तेमाल करेंगे। ये काफ़ी फ्लेवरफुल होता है। अब इस लिक्विड में श्रेडेड चिकन डाल दें और इस हांडी को चूल्हे पर चढ़ाएं। चूल्हे की फ्लेम को लो कर लें और इस तरह के किसी मैशर से इस चिकन को अच्छी तरह से मैश कर लें। इस चिकन को आप हाथ से ही मैश करें। अगर ग्राइंडर में पीसेंगे तो इस हलीम का टेक्सचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। मैंने इस चिकन को 10 मिनट तक अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसमें पिसे हुए दलिये के पेस्ट को डाल दें और दोबारा से मैश करते जाएं। इस हलीम को आप जितना मैश करते जाएंगे उसका टेक्सचर उतना ही अच्छा आएगा और ये रेशेदार बनेगा। ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करें और इस हलीम को अच्छी तरह से मैश करते जाएं। इस हलीम को मैंने 15 से 20 मिनट तक पका लिया है। जितनी फ्राई की हुई प्याज हमने ली थी इसमें से आधी प्याज इसमें डाल दें और बची हुई आधी प्याज को सर्विंग के टाइम पर यूज करें। अब इसमें कटा हुआ धनिया, पुदीना और गरम मसाला डालकर इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 10 मिनट तक और पका लें। आखिर में मैं इसमें थोड़ी गुलाब की सूखी पत्तियां भी ऐड कर रही हूँ, पर यह ऑप्शनल है। इस स्टेज पे आप इसमें नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर नमक आपको कम लग रहा है तो आप ऐड कर लें। ये रेशेदार और टेस्टी हलीम अब बिल्कुल तैयार है। इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लें। सर्व करने के टाइम पर जो ऑयल हमने बचा के रखा था वो डाल दें और इसके ऊपर फ्राई की हुई प्याज, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, पुदीना, थोड़े से घी में फ्राई किए हुए काजू और लेमन से गार्निश करें। तो लीजिए, ये टेस्टी और रेशेदार हलीम अब बिल्कुल तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मैं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।